नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आपको बेहतर तरीके से याद होगा कि हरियाणा में 21 तारीख को चुनाव है, मगर इन ठीक चुनावों से पहले बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट की नाराजगी, यानी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना दल बदल लिया, और कई नेता इस टिकट की नाराजगी में अपनी पार्टियां छोड़ गए तो कईयों ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ना ठीक समझा। ठीक हरियाणा में वही हुआ। जिस तरीके से चौधरी संपत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपना दल बदला, और हरियाणा में सबसे बड़ा चेहरा इस बार कांग्रेस में अगर कोई टिकट का दावेदार था तो चौधरी रणजीत सिंह थे, मगर उनका टिकट कटा तो उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। और भी ऐसे बहुत सारे समीकरण बने जहां पर इस बार नाराजगी साफ तौर पर दिखी, कि जहां पर हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मगर मेरे साथ डवाली के चुनावी रंग कार्यक्रम में आज एक ऐसा दिग्गज चेहरा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणा में एक नाम आता है, रवि सिंह चौटाला। ताऊ देवीलाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और देश के उप प्रधानमंत्री बने तो वो पीएस के तौर पर पर्सनल सिक्योरिटी में साय की तरह साथ रहे, मगर हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब ताऊ के परिवार में दो विचारधाराओं की पार्टियां बनी, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के बाद दूसरी पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी। मगर आईएनडी के साथ उसी साय की तरह रवि सिंह चौटाला ने फिर से साथ दिया, मगर इस बार उनका टिकट है वो कट गया है। डवाली से इस बार वो डिजर्व कर पा रहे थे, मगर टिकट कटने के बाद उन्हें मायूसी नहीं दिखी। मगर ये सर सब कोई इस रहस्य को जानना चाहता है। विपक्ष बहुत बड़े इसके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कई इशारों की बात हो रही है कि रवि सिंह का टिकट कटने के बाद, नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनका जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई वहाँ पर, कार्यकर्ताओं में एक जोश था, और ये समझ से बाहर है कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन टिकट कटने के बावजूद भी इतनी बड़ी जोश में आए और उसके क्या मायने हैं। सचमुच ये विपक्ष के लिए तो एक समय आरोप प्रत्यारोप और चुटकी लेने का जरूर है, मगर इन सारे आरोपों में सच्चाई कितनी है। मेरे साथ ताऊ देवीलाल के पौत्र रवि सिंह चौटाला हैं। सबसे पहले चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। भी बहुत बहुत स्वागत पन्नू साहब। इस बार सर आप आईएनडी में बहुत डिजर्व करते थे टिकट के लिए, मगर आपका टिकट कट गया है सर, कितनी मायूसी, कैसे देखते हैं अपने आप? टिकट क्या होती है, या मिलती है या कटती, दो ही चीज होती है ना, तो मायूसी कहाँ है। मैंने तो टेलीफोन करके जो अपने लोग थे डबौली हल्के के लोग, उनको मैंने कहा भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें आपने आना है। हर पार्टियां गाड़ी बेचती है, पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की तरफ से उनको बस दी जाती है, जीपें कार मुहैया कराई जाती है। मैंने तो यही कहा था कि आप डबौली आओ और मीटिंग है अपनी, तो वो तो आपने देखा है, आपने रिपोर्ट कवरेज किया उस प्रोग्राम को, उसमें हजारों लोग थे, तो मेरा प्रेम प्यार है लोगों से, तब आए हैं मेरे पास। सर ये समझ से बाहर है कि आपका टिकट भी कट गया, आप नाराज भी नहीं है, कोई मायूसी भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपके कार्यकर्ताओं में इतना जोश क्यों है? मतलब मैं देख रहा था हजारों लोग, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, मतलब ऐसा आप क्या घूर के पलाते हैं कि लोग आपके इतने दीवाने हैं? टिकट कट गया नामांकन के बाद, ये भी दूर है समझ, मतलब बगावत आप करते तो पहले कर लेते, उसके बावजूद अपनी भीड़ इकट्ठी, मतलब क्या इसका रहस्य क्या है सर? इसका रहस्य ये है कि टिकटें तो मिलती रहती है और कटती भी रहती है, लेकिन मैं जनता से कभी नहीं कटाऊँ। मैंने लोगों से गांव में, शहर में, मोहल्ले में, मैं जहाँ भी गया, हर जगह मेरे पर्सनली दोस्त है, यार मित्र हैं, मैं उनके दुख सुख में जाता हूँ। जब भी कोई किसी की समस्या होती है तो मैं उनके बीच में खड़ा रहता हूँ, और मैं लोगों से नहीं कटा। वो तो टिकट कट गई होगी, मुझे कोई मलाल नहीं है टिकट कटने का। मैं पहले भी लोगों के साथ था और अब मैं, पहले तो गांव में मैं एक महीने में दो दो बार जाता था, अब की बार मैं 10-10 बार नहीं, 20-20 बार जाऊंगा गांव में, और मेरे जितने भी यार मित्र दोस्त जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको कैसे निराश होने दूं।
ना मैं निराशावादी, मैं आशावादी लोगों में हूँ। और जो हमारे दोस्त मित्र जो मुझसे उम्मीद रख रहे हैं ना, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ। मेरा, मैं तो जनता का आदमी हूँ, मैं तो पब्लिक में रहने वाला आदमी हूँ। आज भी बहुत लोग आए, टिकट कट जाए कोई खास बात नहीं है, पर मेरा जो आना जाना है वो नहीं कटेगा लोगों से। मैं पहले से ज़्यादा जाऊँगा, और लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और अब की बार पन्नू साहब, मैं आपको बताऊँ, जो मैंने अभियान चलाया था चिट्टे के खिलाफ, अब की बार मैं जब घूमूंगा ना, जिस गांव में जाऊंगा हाथों हाथ चिट्टा बंद कराऊंगा। मेरी मुहिम चिट्टे के खिलाफ है। एक मेरा ये है कि किसान, मजदूर, गरीब आदमी, दुकानदार है चाहे शहर के मोहल्लों में है, जो बड़े लोग होते हैं वो तो सारी सुविधा अपने आप पा लेते हैं, आम आदमी को सुविधा नहीं मिल रही है। मैं तो उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जो चलान हो रहे हैं, इन्होंने अभी जो नया कानून व्हीकल एक्ट लेके आए हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलान, तो मैं ये लड़ाई, पहली बात है कि मैंने प्रशासन को भी कहा था, लोगों को भी मैं साथ लेके गया, उन्होंने कहा भी डबल और सिरसा में चलान नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ ट्रैक्टर कहीं भी हो हिंदुस्तान में, ट्रैक्टर ट्रॉली का चलान होना ही नहीं चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैंने लोगों से यहाँ वायदा किया, मैं लोगों से वायदा करता हूँ उसको निभाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लोगों को कहा भी, एक तो चिट्टा तस्कर उनके खिलाफ मैं हाथ धो के पीछे लग जाऊँगा, और मैंने लोगों को कहा किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली का चलान हो जाए तो आपने मुझे टेलीफोन करके बता देना, और मैं आप ट्रैक्टर वहीं छोड़ देना और मेरे पास आगे बता देना भी ये ट्रैक्टर मेरा चलान किया है, उसका ट्रैक्टर घर ले आके मैं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रवि सिंह जी, एक बात है, जब टिकट कटता है किसी का, तो या तो फिर नेताजी बगावत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता, शीर्ष के नेता थे जो उन्होंने भी मतलब यू टर्न ले लिया हाथों हाथ। मगर आपका जब टिकट कटा, ना कोई बगावत हुई, ना आपने कुछ मतलब मायूसी, आप कह रहे हैं आप खुश हैं, आप कोई दुख नहीं है आपको, कोई कुछ नहीं है, मगर समझ से बाहर है सबके, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता सम्मेलन, मतलब इसके मायने क्या हैं सबको बुलाना? आज भी लोग उनके साथ हैं, उनकी दीवानगी लोगों में बोलती है, मतलब कोई बगावत नहीं हुई। आप मेरे को बताओ, नेता रहे कहाँ हैं? सारे लोग जो लीडर होते हैं ना बड़े, वो जिस किसी को टिकट दे या जिस किसी को शामिल करे उसको वो दास बना लेते हैं, उसको उस घोड़े को फाटक में बंद कर देते हैं। जब उनकी इच्छा हो तब वो उसको निकालते हैं, अरे इच्छा ना हो तो उसको बंद कर दें। हम तो मैदानी लोग हैं, हम तो वो है लंबी रेस के घोड़े, हम उनकी तरह नहीं है। राजनीतिक आदमी कहाँ रहा है? ये पब्लिक पर सभी पार्टियों के लोग आरोप लगाते हैं कि पब्लिक हमारे जलसों में आती है, लेकिन कम आती है। अब लीडरों ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया टिकट के पीछे, वो पता नहीं कितने दल बदल लो, वो तो टिकट के भाईवाल हैं। आज के राजनेता तो वो हो गए गंगाई गंगाराम, जमुनाई जमुनाराम, उन्होंने तो बहती गंगा में हाथ धोना है। जैसे संपत सिंह का उदाहरण दूं मैं, संपत सिंह को राजनीतिक तौर पर जो भी पद मिले वो चौधरी देवीलाल जी की देन थी, और वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, वहाँ उनको टिकट मिल गई एक बार, दोबारा टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा में चले गए। और जब वो कहते हैं भी अब क्या करोगे, बोलो जन सेवा करनी है, तो जन सेवा ही करनी है तो आप बिना किसी पार्टी के भी कर सकते हो, कोई जरूरी है पार्टी का साथ लेके करो। अगर जिस आदमी में दम हो और उसकी इच्छा हो, उसकी नीयत साफ हो, तो बिना पार्टी भी बहुत कुछ कर सकता है आदमी। पार्टियों में अब राजनीतिक लोग नहीं रहे, ये बिजनेसमैन लोग हैं, टिकटें लेने के लिए अपना दीन ईमान और अपनी जमीर बेचते हैं। जैसे कि अशोक तंवर ने कहा,
टिकटें बिकती है 5 करोड़ में, कोई कहता है 10 करोड़ में, और फिर वो बड़े लीडर क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं की नेताओं की अपने घरों पर हाजिरियाँ लगवाते हैं। मैं उन आदमियों में नहीं हूँ, ना मैं टिकट के पीछे ज़मीर बेचूं और ना मैं टिकट पैसे के दम पर ला सकता। एक और सर खास बात ये भी रही कि सबको नज़र थी कि आज रवि सिंह जी एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर आई, मगर आपने किसी को कहा नहीं कि वोट आपने कहाँ डालना है, सबको आपने स्वतंत्र किया कि मैं हमेशा आपके बीच था, कल भी, आज भी, हमेशा रहूँगा। आपने ये कहा कि पहले गांव में 2 बार आता था, अब तो 20 बार आऊँगा, चिट्टे की चेतावनी थी, अब चिट्टे वालों के पीछे हाथ धो के पड़ जाऊँगा, ट्रैक्टर का चलान नहीं कटने दूंगा, मगर ये नहीं किसी को बताया कि वोट कहाँ पर डालूँगा। देखो जी, वोट होते हैं पब्लिक के, ये पब्लिक तय करती है कि वो वोट किसको दे या ना दे, ये जनता का फैसला है। मैं मेरा फैसला बताऊं, मेरा एक ही फैसला है कि मैं चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मैं ट्रैक्टरों के चलान नहीं होने दूंगा, मैं किसान मजदूर गरीब आदमी आम दुकानदार महाजन है व्यापारी है, अब बताओ इस सरकार से कौन तंग नहीं है, इस सरकार से आज कहीं भी चले जाओ आप, व्यापारी है तो वो हड़ताल पे है, दुकानदार है तो वो हड़ताल पे है, किसान है तो वो मायूस है, नौजवान है तो वो मायूस है। इन्होंने कहा था भी हम साल में हरियाणा के अंदर 2 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, इन्होंने तो अब से पहले 10 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, जो मास्टर थे कच्चे कहते थे पक्के करने, जो पक्के थे उनको कच्चे कर दिए, जो कच्चे थे उनको सड़क पर ला दिया। जब वो लोग अपनी मांगों के लिए जाते हैं तो आपने पंचकुला में नहीं देखा, करनाल में नहीं देखा कि वहाँ जो लाठी चार्ज हुआ वो रोज़गार मांगने के लिए गए थे, कंप्यूटर आके गिफ्ट में उनको लाठियाँ मिली। मुख्यमंत्री किसी मंत्री की ड्यूटी लगा देते भी, किसी की समस्या है तो किसके पास जाएगा, वो सरकार के पास जाएगा, वो किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाता। मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री है हरियाणा के, तो वो सीट होती है वो सरकार सब की होती है, तो लोग किससे उम्मीद रखते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं ना। तो सरकार अगर मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है ना, तो वो अपनी कैबिनेट के बहुत मंत्री होते हैं उनके पास, किसी जिम्मेवार मंत्री को भेज दे लोगों के पास, टीचरों के पास चले जाते, वो जो कंप्यूटर टीचर है उनके पास चले जाते, उनको कहते भी आपकी क्या समस्या हम समाधान करेंगे, आपने किस अपना नुमाइंदा भेजा नहीं, बल्कि वहाँ पुलिस इतनी लगा दी कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, ऊपर से इशारा आते ही आप लाठी डंडे शुरू करो, वहाँ माँ बहन बेटियों को सड़कों पर घसीट घसीट के पीटा, ये कौन सा राज है। सर एक चीज़ थी कि कहते आपके कार्यकर्ता सम्मेलन था, जब आंखों आंखों में इशारा हो गया कहते। कमाल, मैं इशारा नहीं करता किसी को, ना मैं किसी को इशारा करता, ना मैं किसी को मजबूर करता। ये जो वोट होते हैं ना, ये पब्लिक के होते हैं, कार्यकर्ताओं के होते हैं। मैंने तो सिर्फ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जब गांव में जाता हूं तो लोग इकट्ठे होते हैं और वो मेरे के लिए चाय पानी लेके आते हैं, मैं गांव में जाता हूं तो मुझे लड्डू खिलाते हैं, साथ में काजू भी खिलाते हैं, बर्फी भी खिलाते हैं। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया घर बुला के उनका मान सम्मान ही किया है, मैंने तो मान सम्मान करने के लिए उनको बुलाया था और मैंने उनको भरोसा दिलाया था भी आप क्यों मायूस हो रहे हो, कोई इलेक्शन अब कोई 2019 के बाद में कोई इलेक्शन नहीं होना, ये तो होंगे। तो मैंने लोगों को ये कहा, मैं तो आपके साथ हूँ, टिकट कटी है पर आना जाना तो नहीं कटा ना मेरा, जो आए हैं मैंने कौन से उनको साधन दिए थे, हमने तो टेलीफोन किए थे, जो 2 लड़के मेरे पास रहते हैं जो काम देखते हैं, मैंने कहा भाई अपने साथी है उनको टेलीफोन करो कि वो आए, वो खुद अपने आप ही चल के आए। सारी पार्टियाँ साधन भेजती है, कैंडिडेट लड़ता है जो चुनाव MLA का या MP का, वो अपना जलसा कामयाब करने के लिए लाखों रुपए पानी में बहा देते हैं,
बसें बेचते हैं और अपने वर्करों को कह देते हैं जी पैसे ले लेना, आप आदमी लेके आओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दिल है, मैं मेरे जो साथी दोस्त है उन पे तकलीफ नहीं आने देता। तो पन्नू साहब मैं उनके लिए ना मुझे आदमी बुलाए, कोई तकलीफ में मेरा साथी दोस्त कहीं भी खड़ा और मुझे बुलाता तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपने मेरा इतना मान सम्मान किया तो मैं क्या उनको मान सम्मान, वो अपना घर समझ के आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे, और मैं इशारा क्या करूँ, इशारा वो खुद मेरे से ज़्यादा समझदार है जो मेरे साथ है, और जो जितने भी लोग आए थे वो सब समझदार है। मतलब कोई ऐसी जो विपक्ष सोच रहा है या लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, रवि सिंह जी चौटाला INLD के साथ है, उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सोचने वालों का काम सोचते रहो, मेरा काम है मैं करता रहूँगा, मेरा जो मिशन है ना मैं उससे भटकूँगा नहीं, मैं मेरे मिशन को अब पहले से ज़्यादा ताकतवर उसमें करके लाऊंगा। और मैंने लोगों को एक ही बात कही थी, मेरे लिए कोई टिकट मायने नहीं रखती, मैं आपको ऐसे ऐसे MLA बता दूं जिनके कहने से पटवारी फर्द नहीं देता, और वो लोग हैं जिनके कहने से पुलिस वाले मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते, और मैं वो आदमी हूँ चलान होने से पहले इंतज़ाम कर देता हूँ मेरे यार दोस्तों का, तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ। और मैं तो पब्लिक में जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँ, ये मेरे काम है, सिरसा जिला हरियाणा कहानी जाऊँ, सारी जगह जाऊँगा मैं। आपने उस कार्यकर्ता सम्मेलन में एक और बात कही कि पहले मैं डवाली घूमता था, अब तो पूरा हरियाणा घूमूंगा। आपने कहा कि 2024 में आपका मिशन है, मतलब ये फुल फ्लैश है कि 2024 में रवि सिंह चौटाला इलेक्शन लड़ेंगे बहुत बड़े तरीके के साथ। बात इलेक्शन लड़ने की नहीं है, मैं पहले काम करूंगा, पहले लोगों का काम करूंगा तो लोग अपने आप ही साथ हो जाएंगे, मतलब लोग डिसाइड करेंगे, मेरा फैसला पब्लिक करती है, मैं जब काम करूंगा तो काम अपने आप ही बोलता है, वो लोग ही करेंगे फैसला, मैंने जो भी फैसले हैं मैं क्यों नहीं लेने वाला, पब्लिक लेगी। अब कहाँ आप कह दो भी कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना मेरे पास कोई जिताने की पावर है ना किसी को हराने की पावर है, फैसला तो पब्लिक के वोट है, उन्होंने करना है भी पहले नंबर पर किसको लड़ना है, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, चौथे जितने कैंडिडेट हैं उनका फैसला तो पब्लिक करेगी। ये बड़े लीडरों के बहम है भी हम जिसको आए मर्जी जिता दें हरा दें, कोई जिताता हराता नहीं है, पब्लिक करती है फैसला, जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो ही जीत के आएगा। और मैं ये बताऊं आगे ऐसा टाइम आएगा कि लोग खुद तय करेंगे कि नेता नहीं है, नेता की बात नहीं है, वो लोग ये तय करेंगे जो हमारे काम आने वाला कौन आदमी है, वो उसको पब्लिक बनाएगी नेता। अब मैं कह दूं मैं नेता हूं तो मैं क्यों नेता हूं, नेता तो पब्लिक बनाती है। सर एक चीज़, ये भी सूत्र कह रहे हैं कि आपको जब टिकट कटा, जब ये सुबुहाट लोगों में आई कि इस बार मतलब रवि सिंह को उसके कोटे में उनके कोटे में नहीं टिकट जा रहा, आपको ऑफर भी आए थे कई बार, तो मेरी बात सुनो, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ रहा हूँ, मैं किसी से मेरी निजी रंजिश नहीं है, ना मेरी किसी के साथ पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल दुश्मन है, तो कोई आए फोन तो मैं क्यों नहीं अटेंड करूंगा, मेरा फोन नंबर तो आम आदमी के पास है, कोई फोन करते हैं सभी ने किया मेरे को फोन, तो मैंने उनको धन्यवाद बोल दिया भी आपने मुझे याद किया, धन्यवाद आपका। नहीं मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मैं हर रोज नया कपड़ा बदलूं, मैं जो हूं वैसा ही हूं, और जो फ़ोन आते हैं मेरे पास ज़्यादा पब्लिक के फ़ोन आते हैं। अब आने से, आपके आने से पहले भी 20 आदमी आए थे मेरे पास, तो किसी को कोर्ट में काम है, किसी को अपना गांव से लोग आते हैं, शहर में आते हैं अपना सामान खरीद के वापस गांव में आते हैं, तो 10 मिनट मेरे पास भी आ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं लोग। मेरा मिशन 2024 का मिशन ये है कि मैं एक तो चिट्टा ख़त्म करना ही करना है, तस्करी नहीं करने दूंगा, चिट्टे जो चिट्टा का तस्कर है सारे हवालात में होने चाहिए। दूसरा,
किसी किसान के ट्रैक्टर का चलान नहीं होना चाहिए और ट्रैक्टर को दोबारा उसी बादशाह से गड्ढा डिक्लेयर कराना मेरा काम है। अगर ये चीज़ उन्होंने ना करी तो फिर देखना या तो मेरा बैम निकल जाएगा या सरकार का बैम निकल जाएगा। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है कि कौन सी सरकार बन रही है कौन सी हार रही है। सरकार बनाना और नहीं बनाना पब्लिक का काम है। सरकार में बैठे लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्शन होता है जब तो हाथ जोड़ते हैं, जीतने के बाद में वो अपने विरोधी दल के लोग होते हैं ना, कहते हैं उनकी रड़क निकालेंगे हम। कैसे निकाल देंगे रड़क? वो रड़क नहीं निकाल पाएंगे, उनके बैम बैम है। अगर कोई इस बैम में कोई घूम रहे ना राजनीतिक लोग भी, हम 24 बाद में नई सरकार बनेगी और हम पब्लिक की रड़क काट देंगे, इसने मेरे को वोट दिया, इसने मेरी खिलाफत करी, रड़क मैं काट दूंगा लीडरों की, आप मेरे से एफिडेविट दे लो। अगर कोई जीता हुआ है तो वो अपनी लिमिट में रहेगा, उसको ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है कि वो थाने में लोगों के नजायज चलान करा दे, लोगों को तंग करे, ये ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर किसी के बहम है तो 24 तारीख के बाद में मेरे को बुला ले। कहाँ बुलाना चाहता है कोई जिसमें हिम्मत है ना, जिसने किसने अपने माई का लाल जिसने दम है तो मेरे को जहाँ मर्जी बिता ले, मैं आ जाऊँगा। हाँ, मैं कानून हाथ में लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अमनो पसंद आदमी हूँ, मैं कानून को मानता हूँ, मैं कानून से डरता हूँ, बुरे काम से डरता हूँ, मैं लीडरों से नहीं डरता। मैं लीडरों से डरता तो अब से पहले मैं जेल में होता, ठीक है ना। मैं किसी से डरने वाले लोगों में नहीं हूँ, ना मैं किसी को डराता। मैं तो ये कहता हूँ भाईचारा कायम रहे तो बहुत बढ़िया बात है। और कोई भी, चाहे मैं एक राजनीतिक आदमियों को नहीं कहता, जो बड़े अफसर है उनको भी अपनी औकात में रहना चाहिए। रवि सिंह चौटाला का समय 2024 का समय रवि चौटाला का है, आज भी रवि चौटाला है और मैं तो 2024 तक रवि चौटाला ही रोजी चौटाला का डंका बजेगा। जब मैं ये दो काम करूँगा फिर लोग क्या काम के वो लोगों को कह दूंगा मैं, मेरे दिल की बात मैंने तो मेरे की ही है ना बात। ये दो चीज़ मैं करके फिर मैं पब्लिक को कहूँगा भी अब आप क्या फैसला करोगे, वो पब्लिक फैसला कर देगी। अगर मैंने ठीक किया तो पब्लिक मुझे प्यार देगी, अगर मैं पब्लिक के वायदों पर मैं खरा नहीं उतरा तो पब्लिक मुझसे दूर हो जाएगी। ये तो पब्लिक ने फैसला करना है, कोई जीते आ रहे वो तो बाद की बात है। चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन में अधिकांश जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने 25 इलेक्शन लड़े हैं, वो जीते कम है हारे ज़्यादा है, हारे ज़्यादा है। प्रचोद देवीलाल का आज कितना नाम है, देश दुनिया में नाम है। पार्लियामेंट के अंदर आज किसी भी किसान नेता की अगर कोई सबसे बड़ी स्टैचू है तो चौधरी देवीलाल की है। मैं चौधरी देवीलाल जी का पोता होने के नाते उनका मैं वर्कर था और मैंने उनकी सेवा करी, ये मेरा फर्ज बनता था, मैंने किसी वसा नहीं किया। मेरी जो पहचान है सिर्फ चौधरी देवीलाल जी के पोते की करके और मेरी कोई पहचान नहीं है। और जो मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरी पहचान बनेगी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो लोग दूर हो जाएंगे। और किसी बड़े अफसरों के बड़ा बहम होता है भी हम जिस सीट पे बैठ गए वो दादा लाई नहीं है किसी की, और ये राजनीतिक है ना ये भी किसी की परमानेंट पोथी नहीं है, ठीक है ना। ये कोई गलत फहमी में होंगे, बड़े लोगों की गलत फहमी है ये। मैं 24 तारीख के वोट पर लेने दो, 21 को वोट डल जाएंगे, 24 को रिजल्ट आ जाएगा तो जीते हुए अपना जश्न मना लो, हारे हुए तो उनको मैं कहता हूँ भी आगे की तैयारी करो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल है कोई आदमी व्यक्ति विशेष है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जीता हुआ है उसको जीते हुए कैंडिडेट की तरह काम करना चाहिए, वो पब्लिक के काम करे। अगर वो उसके गलत फहमी है भी इसने मेरी मदद नहीं करी और इसने मेरी खिलाफत करी, ये तो पब्लिक का भी काम है। पब्लिक मर्जी है उसकी मदद करे, मर्जी है उसकी खिलाफत करे, ये तो पब्लिक ने करना है। अगर पब्लिक के साथ कोई ज्यादती करेगा ना तो मैं उसके घर के आगे खड़ा हूँ। जिस आदमी को कोई तकलीफ देगा, राजनीतिक आदमी हमेशा सत्ता में होते ही अपने विरोधियों पर पहले निशाना लगाता है, वो काम नहीं करता, वो पहला काम अपने विरोधी लोग है उनको तंग करना होता है।
मैं किसी को तंग नहीं करने दूंगा, किसी को, चाहे कितना ही बड़ा लीडर हो और चाहे वो कोई आदमी हो। मैं तो कहता हूँ हर आदमी को जीने का अधिकार है, हर आदमी को अपना वोट डालने का अधिकार है, हर आदमी को मेहनत मजदूरी करके अपने घर में पेट पालने का अधिकार है। ये देश है ना, इसको आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने खून बहाया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ऊधम सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे आज़ाद लोग, इन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। उसके बाद में चौधरी देवीलाल जैसे महान शख्सियत पैदा हुई, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका थी। तो देश उन लोगों ने बनाया इस देश को। मैं इस देश से, प्रदेश से, मेरे ज़िले से, मेरे इलाके से मैं प्यार करता हूँ, मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता हूँ। आप ये पब्लिक के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मेरी राजनेताओं को और अफसरशाही को एक संदेश दे दो आप, कि आप पब्लिक के काम करो, आप जनहित के काम करो, तो आपको लोग हटाएंगे नहीं। अगर आप उस ट्रैक से हट जाओगे तो लोग आपको हटा देंगे। और आप ये चाहते हो कि हम सत्ता के नशे में और बाहुबल हो गए हम पब्लिक की रड़क निकालेंगे, तो रड़क निकालते निकालते खुद की निकल जाएगी, लोगों की नहीं रड़क निकलेगी, बहुतों के बहम है। ये बहम निकलना भी ज़रूरी है। हाँ, ये कोई जो है किसी ने पाल रखा है तो 24 तारीख के बाद में देख ले कहीं। रवि सिंह तो पहले भी गांव में जाता था, अब मैं 20 गुना ज़्यादा जाऊंगा, और जो मेरी मुहिम है इसको मैं बिल्कुल जारी रखूंगा, पूरे तन मन धन से मैं कहता हूँ मैं ये दो काम करने में नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, धन्यवाद। जो होती है मन की बात है वो मैं कहता हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद। शुक्रिया। थे मेरे साथ रवि सिंह चौटाला, वो दिल से बात करते हैं और जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब उनका मिशन 2024 शुरू, यानी जनता के बीच में रहेंगे। और ये भी सवाल था कि क्या वो टिकट की दौड़ के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीपल विल बी डिसाइडेड, जो होगा वही होगा, जनता के बीच में रहेंगे। पहले दो बार तो अब 20 बार गांव में जाएंगे, और उन्हें टिकट कटने का कोई मलाल नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई मलाल नहीं, बल्कि उन्होंने वही किया है, जनता के बीच में रहने का काम, जनता के सुख दुख का साथी बनने का काम। मगर चिट्टे के खिलाफ लड़ाई का जंग ऐलान रवि सिंह चौटाला ने साफ तौर पर किया है, और साथ ही ट्रैक्टर को वापस उसी ताऊ देवीलाल के पदचिन्हों पर चलते हुए वापस गड्ढा घोषित करवाना, एक इस मुहिम को रंग पकड़ाना, ये भी उनकी सबसे बड़ी इस 2024 मिशन की एक अहम बात है। मगर अब हरियाणा का चुनाव है सर, और 24 को नतीजे आएंगे, 21 को मतदान है। आप सबसे तेज हरियाणा अपील करता है 21 तारीख को मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान करें, और अपने पूरे परिवार को लेकर जाकर आप वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका ताकत, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपका वोट है। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तेज हरियाणा पर हर अपडेट पाने के लिए आपको करना है बस चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को आपने प्रेस कर देना है। कैमरा पर्सन चरणजीत के साथ कुलविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डब्बवाली।